दोस्तों सबको ये तो पता है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मूर्ति स्थापित हुई थी, 550 साल बाद मंदिर बनके तैयार हो गया और हर एक हिंदू के लिए बहुत गौरव का, खुशी का, सम्मान का विषय है दोस्तों, और हम सबको गर्व महसूस करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भगवान श्री राम की मूर्ति के बारे में खास बात क्या है, वो रहस्य क्या है, उस मूर्ति में आखिर क्या छुपा है, उसकी विशेषताएं क्या है, क्या सोच के ऐसी ही मूर्ति बनाई, किसी और तरीके की क्यों नहीं बनाई, उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या छोटी छोटी बारीकियां हैं, क्या क्या छुपा रखा है भगवान श्री राम की मूर्ति के अंदर जो अभी तक लोगों को नहीं मालूम है, आज हम खुलासा करेंगे अपनी चैनल पे सबसे पहले दोस्तों। इसलिए अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और दोस्तों अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं हमारी तरह तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के इस वीडियो को शेयर जरूर करना। दोस्तों रामलला की प्रतिमा की पहली तस्वीर जो थी वो सबने देख ली है, पहली बार 22 जनवरी को सबने तस्वीर देख ली भगवान राम की, और अब उनका चेहरा भी नहीं ढका है, ना ही आंखों में पट्टी डाली गई है, ये उनकी बाल स्वरूप की मूर्ति है, क्योंकि लला का मतलब होता है बच्चा, और राम लला की ये मूर्ति भी भगवान की उसी बाल रूप की है। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने रामलला के चेहरे पर वही मासूमियत और भोलापन दिखाया है, लेकिन राम के बाल स्वरूप में भी चेहरे पर तेज की कोई कमी नहीं है दोस्तों। इससे पहले राम भगवान की पूरी तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी, क्योंकि प्रतिमा को कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचाया गया था। एक दिन पहले गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना भी कर दी थी और रामलला की प्रतिमा को ढक दिया गया था, और अब भक्तों को रामलला के इस रूप के दर्शन अब दोस्तों 23 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस तस्वीर के जरिए रामलला के पूर्ण दर्शन हो गए, मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति बहुत खास तो है ही, इसकी जो तस्वीर आई उससे प्रतिमा के बीच में रामलला धनुष बाण लेकर खड़े हुए हैं, और किनारे पर भगवान विष्णु के 9 अवतारों को दिखाया गया है। कलयुग में अवतार लेने वाले कल्कि भगवान की झलक दिखाई गई। इसके अलावा प्रतिमा के ऊपरी हिस्से में ओम और स्वास्तिक के निशान भी बनाए गए, और विष्णु भगवान के अस्त्र शंख चक्र और गदा भी दिखाए गए हैं, और मंदिर में इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। एक दिन पहले भगवान राम को आसन पे स्थापित करने के लिए 4 घंटों की विशेष पूजा की गई थी, इसके बाद मूर्ति की चेहरे को ढक दिया गया और रामलला के पूर्ण स्वरूप के दर्शन से पहले वही तस्वीर सामने आई थी। इस तस्वीर में रामलला की चेहरा और इस तस्वीर में रामलला के चेहरे को और हाथों को पीले वस्त्र यानी पीताम्बर से ढका गया है और शरीर पे श्वेत यानी सफेद रंग के वस्त्र लिपटा रखे हैं। यह मंदिर में स्थापित करने के बाद की तस्वीरें, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ऐसी तस्वीर आई जिसमें रामलला का चेहरा दिखा। करीब 200 किलो के ये प्रतिमा 51 इंच ऊंची है। इसे काले रंग के 600 साल पुराने शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है और इसकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और इससे पहले किसी भी मूर्ति को पूजा के योग्य नहीं माना जाता है और इसे निर्जीव समझा जाता है, इसीलिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना, यानी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हुआ जीवन शक्ति की स्थापना करना या मूर्ति में जीवन लाना, और इसीलिए 22 जनवरी को रामलला के सुंदर बाल स्वरूप वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर लोग इस मूर्ति की पूजा कर पाएंगे। इस बीच रामलला की मूर्ति की एक और तस्वीर सामने आई, इसमें रामलला की प्रतिमा का श्रृंगार भी किया गया, उनके हाथों में स्वर्ण धनुष भी लगाया गया। ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब वर्कशॉप में रखी उनकी मूर्ति को पोशाक पहनाकर देखा गया था, और उस वक्त उनकी आंखों पर पीले रंग की पट्टी बांधी गई थी। रामलला की प्रतिमा को सिर्फ पोशाक ही नहीं बल्कि रत्न जड़ित मुकुट और आभूषण भी पहनाकर देखे गए। माना गया कि वही आभूषण है जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को उन्हें पहनाए गए थे। रामलला की इस प्रतिमा को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इसी वर्कशॉप में रहकर तैयार किया। इनकी कारीगरी ने तो मूर्ति को भव्य बनाया ही, श्रृंगार और धनुष में रामलला की इस प्रतिमा को अलौकिक भी बना दिया। जहाँ उनकी पोशाक हरे और पीले रंग से तैयार की गई थी, वहीं उनकी माला को हरे और पीले रंग के फूलों से बनाया गया था, और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए चल रहे अनुष्ठान के 4वें दिन यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना की गई। इसके लिए मंदिर में कई अग्नि कुंड बनाए गए थे और विशेष पूजा की गई थी।
और मंदिर में यज्ञ अग्नि कुंड स्थापित किए गए थे। पुजारियों ने विशेष अनुष्ठान के जरिए इन हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की। ऐसी मान्यता है कि यज्ञ करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। वैदिक मंत्रों के जरिए मंदिर में पुजारियों ने यही विधि पूरी करी। हवन कुंडों में अग्नि प्रज्वलित करने के इस विशेष विधि को अरणि मंथन कहते हैं। अरणि का मतलब होता है लकड़ी, और इस विधि में अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए लकड़ी से अग्नि को प्रकट किया जाता है, फिर उसी अग्नि में हवन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा भगवान विष्णु और 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अरणि मंथन विधि के साथ अयोध्या में चौथे दिन का अनुष्ठान शुरू हुआ और इसके बाद नव ग्रह की स्थापना की गई। इसके अलावा मंदिर में वास्तु शांति के लिए भी पूजा की गई। इसे एक दिन पहले राम लला की मूर्ति को गर्भगृह के आसन पर स्थापित किया गया था और इसके अगले दिन अरणि मंथन, नवग्रह पूजा और वास्तु शांति की पूजा की गई थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह यानी 22 जनवरी से पहले कुछ और विधियां होंगी। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को अलग अलग नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा और अगले दिन यानी 21 जनवरी को रामलला का 125 कलशों से दिव्य स्नान किया जाएगा और इन विधियों के दौरान रामलला के मंदिर के कपाट बंद रहेंगे और 23 जनवरी को कपाट खोल दिए जाएंगे और इसके बाद आम लोग मंदिर में जाके रामलला के दर्शन कर सकते हैं। और अब हर जगह रौनक रहेगी क्योंकि अब 23 जनवरी को सब कुछ खुल चुका है और सब लोग अब भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उनके अंदर प्राण आ चुके हैं और राम भगवान अब आम लोगों के दर्शन के लिए तैयार हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप भी राम भगवान की इस मूर्ति को देख के और जान करके बहुत खुश हुए होंगे दोस्तों, क्योंकि ये हम सारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है दोस्तों, क्योंकि हम तो बहुत खुश हैं। हमने तो रात भर दिवाली मनाई थी, कल पूरा दिन हम खुशी से झूम रहे थे दोस्तों। अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं, अगर आप भी सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर करना कि हर एक को मालूम पड़ जाए कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं है और अब हमारे भगवान राम हमारे पास वापस आ चुके हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो, तब तक धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।